अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। छुट्टी का टाइम गुज़र गया, बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह से छुट्टी का टाइम बहुत अच्छा गुजारे, बहुत अच्छा गांव में टाइम गुज़रा। लेकिन अब स्कूल खुल गया है, जिसकी वजह से अप्पी और भाईजान वहाँ से निकले और नशरा आकर ट्रेन में इतना ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कानपुर आने के लिए। वो तो हद से ज़्यादा शरारतें कर रही थी, उसकी शरारतों की तो हद ही पार हो गई थी। और वो तो जगह जगह एक्टिंग भी कर रही थी। अभी देखिएगा कि वो सोने की भी एक्टिंग करेगी। लेकिन नशरा बहुत क्यूट लग रही थी। यहाँ पर वो एक्टिंग कर रही है, वो रियल में सो नहीं रही है, वो सिर्फ ड्रामे कर रही है सोने का। देखो सुहाना सफ़र कितना प्यारा लग रहा है, जबकि गांव के खेत हैं, लेकिन इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। इधर भी नशा एक्टिंग ही कर रही है और ड्रामे कर रही है सिर्फ सोने के, सो नहीं रही है। लेकिन नशा देख लो अब सो गई है, अब रियल में सो गई है वो। और यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। हम लोग जब ट्रेन में आ रहे थे तो वहाँ पर बारिश हो रही थी, और बारिश तो जानती हो हम सबको बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। हम जब कानपुर पहुँचे तो यहाँ पर थके हुए थे, लेकिन अप्पी का कहना था कि इस वक्त गोश्त का मौसम चल रहा है, चलो अखनी बनाते हैं। तो अप्पी से मैंने कहा कि अप्पी मुझे सीखना है, आप सिर्फ बताएं, मैं फ़र्स्ट टाइम अखनी मैं बनाऊंगी। तो बस यहाँ पर गोश्त ली, गोश्त को बकरे का गोश्त लेकर उसको धुलने के बाद उसमें हल्का नमक डालकर कुकर में बंद करके लगा दिए, गैस पर रखे और वहाँ पर सीटी लग गई। अभी उसके बाद क्या करते हैं कि उसको गैस पर रख दिए हैं, गैस पर रखने के बाद उसके गैस ऑन कर दिए और उसकी सीटी लग गई। यहाँ पर अदरक लिए, खड़ा अदरक उसको कूट लिए हैं, हल्का कूटना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। कूटने के बाद उसे प्लेट में रख दें और एक पानी लें, एक मग में या किसी भगोने में पानी लें। पानी लेने के बाद उसमें खड़ा मसाला, खड़ी मिर्च और दालचीनी और लहसुन खड़ा, अदरक खड़ा और यहाँ तक कि इसमें सारे खड़े मसाले ही डाले जाते हैं। तेज़पत्ता है, दालचीनी पाउडर हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, जबकि आपके पास अगर दालचीनी खड़ी है तो दालचीनी खड़ी ही डालें। और यहाँ पर हमने धनिया का पाउडर भी खड़ा ही इस्तेमाल किया है, लेकिन आपके पास अगर खड़ी धनिया है तो आप खड़ी धनिया इस्तेमाल करें और तेज़पत्ता डाल दें। लेकिन क्या नाम है, ज़्यादातर कोशिश करने के लिए जो पानी है इसमें खड़ा ही मसाला इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास था नहीं, इसलिए हमने वो मसाला इस्तेमाल किया जो कि पाउडर था। उसके बाद उसे गैस पर रख दें और खोलने का इंतज़ार कर लें। यहाँ पर क्या है कि कुकर हमने देखा कि 2-3 सीटी लग गई हैं, गोश्त हो गया है, उसको हमने उतार लिया। और यहाँ पर जब पानी पकने लगा है उसको कम से कम 4-5 मिनट तक पकने दें, वो खूब पके। पकने के बाद जब उन चीज़ों का पूरे गरम मसाले का अर्क जब उतर जाए, उसका पूरा जूस उतर जाए, तो उसके बाद उसे गैस से उतार दें। फिर एक पतीला या भगोना जो भी है उसे गैस पर रखें और उसमें ऑयल डालें। ऑयल अपने हिसाब से डालें आप, लेकिन प्याज क्या है कि 3-4 प्याज हमने आधा किलो गोश्त में हमने 3-4 प्याज का इस्तेमाल किया है। जब तेल हो जाए, हीट हो जाए, तो उसमें प्याज डाल दें। अभी जबकि मैं डालूँगी प्याज, अभी तेल हीट होने दें। तेल जब अच्छी तरह से हीट हो जाए तो उसमें प्याज डालना है और प्याज को चलाएं और उसे ब्राउन होने तक चलाना है, हल्की ब्राउन, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं होने देना है। जब प्याज ब्राउन हो गई है, यहाँ पर हल्की ब्राउन हो गई है, अब उसमें गोश्त डाल देना है। गोश्त को डालने के बाद उसे चलाना है, फिर उसमें हल्के गरम मसाले डालने हैं, नमक डालना है, पहले नमक डालें। नमक आप स्वाद अनुसार डालेंगे, लेकिन ध्यान दें कि गोश्त में भी हमने नमक डाला था, उस हिसाब से नमक डालना है। उसके बाद हमने गरम मसाला लिया है, गरम मसाला पाउडर डाल दें थोड़ा,
गरम मसाला पाउडर डालकर उसे खूब चलाएं। गरम मसाला आप अपने स्वाद अनुसार डालेंगी। डालने के बाद उसे खूब चलाना है। यह ध्यान दें कि गोश्त पकड़े ना नीचे से, और उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट कम से कम 2 चम्मच डालना है। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें, उसके बाद उसे खूब चलाएं और गोश्त को सोना होने दें एकदम अच्छे से, क्योंकि उसमें स्मेल गोश्त की नहीं रहनी चाहिए। खूब चलाएं उसे। और उसे फिर उसमें जब गोश्त अच्छे से सोना हो जाए, सोना होने के बाद ही उसमें क्या करें कि जो पानी हम पकाए हुए हैं, जो खौलता हुआ पानी था जिसमें सारे गरम मसाले का जूस उतरा हुआ था, उस पानी को उसी गोश्त में डाल देना है और उसे खूब अच्छे से मिक्स कर देना है। यहाँ पर हमने चावल धुलकर पहले से 1 घंटे पहले से रखा हुआ था। चावल हल्का फूल गया है, उसने पानी उठा लिया है और बस जब पानी पकने लगे, गोश्त का पानी अच्छी तरह से पकने लगे, उसमें 2-3 मिर्ची या आपके हिसाब से जो कम मिर्ची खाता है वो कम डाले, जो ज़्यादा खाता है जिसको ज़्यादा खिंचा। यहाँ तो हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा मिर्ची खाने की आदत है, इसलिए मैंने 10 से 12 मिर्ची इस्तेमाल किया है। उसे हल्का सा फाड़ देना है, सारी मिर्चियों को नहीं, सारी 2 से 3 मिर्चियाँ उसे चाकू से काट कर डाल दें और बाकी मिर्चियों को इसे खड़ी डाल दें। जब पानी अच्छी तरह पकने लगे तो उसमें चावल को डाल दें। चावल को शुरुआत में तेज़ आंच में पकाएं, फिर उसे ढक कर रख दें, फिर स्लो आंच में। यहाँ देखो, हम बाहर आए तो देख रहे हैं कि बच्चे शरारत कर रहे हैं। पहले तो नशरा भाईजान के साथ मस्ती कर रही थी, फिर अहमद उठा। अहमद नशे को खूब परेशान कर रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। यहाँ ये लोग अपनी का इंतज़ार कर रहे थे और एक दूसरे को खूब खूब परेशान कर रहे थे। अहमद तो वैसे नशरा को तो बहुत परेशान करता है। और यहाँ अखनी तैयार हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह से, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अखनी तैयार हुई है। भाईजान बहुत तारीफ़ कर रहे थे, अपनी को भी बहुत अच्छी लगी। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी अच्छी अखनी तैयार होगी। आपको कैसा लगा आप देख